बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन कर रहे हैं हमारा चैनल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर सलाम साहब, मैं शहजाद रुस्तम बोल रहा हूँ चिश्तियाँ से। रिश डॉक्टर जी साहब, मेरी बकरी है सोन वाली, तकरीबन पहले ने जी रहने को 10 दिन आज बहुत ज्यादा कमजोर हो गई सी। ओहो आज तक तकरीबन उससे भी उठे नहीं जाता सी। फिर डॉक्टर अल्लाह साहब बेड से हट देते, आए एक डॉक्टर साहब लाए ने, वो कहना 104 बुखार हो गया, इंजेक्शन हो गया, लाज तो गया ने, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। डॉक्टर साहब भी जब भी बैठ जाती उठाने तो उठती नहीं, तो प्लीज डॉक्टर साहब कोई रहनमाई फरमाए। मेरी जान, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे, और अभी अभी मैं आपका सवाल ही सुन रहा था और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपने ये, आपको चूंकि पता नहीं है मैं कॉल मौसूल नहीं करता, जो कॉल आती है तो वो मेरी सारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको डिस्टर्ब करती है और फिर डिलीट करना पड़ता है मुझे, जो आप तक फिर पहुंच नहीं पाती जो मेरी बातें हैं। अगर आपने आइंदा कभी भी गलती नहीं करनी कॉल करने की, वॉइस मैसेज करें, आपको मेरा ख्याल है अभी आपने चंद मिनट ही हुए होंगे कि वॉइस मैसेज किया है, तो आपको मैं फौरन जवाब दे रहा हूँ। मैं इसलिए, हालांकि बहुत सारे लोगों की और भी कॉल्स हैं, लेकिन आपकी मैं समझता हूँ कि बहुत इमरजेंसी है, अगर ऐसी मसला हो तो साथ लिख दिया करें एमरजेंसी, तो एमरजेंसी मैंने ये सुन ली थी और इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा था, तो आपने कोशिश की है, गलती से आपको हुआ, आपने कॉल करने की कोशिश की है, जिसके लिए यू शुड फील सॉरी फॉर दैट, और मुझे पता है कि आप लिख के भी भेजेंगे कि सॉरी, आइंदा नहीं होगी, तो आइंदा ये नहीं करना। और ये जो है आपकी बकरी, दुआ करूंगा अल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट्स दे, और इसको विटामिन A, D, 3, E, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी भी बकरियाँ जिन्होंने बच्चा जन्म जन्म देना है, डिलीवरी के करीब हैं, आखिरी आखिरी 21 दिन में आप इनको वंडा वगैरह डालना शुरू कर दें, वंडा भी दें, और हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद विटामिन A, D, 3, E का इंजेक्शन लगाएं। इसको बकरी को 2 cc का लगेगा, भैंस या गाय को 10 cc का लगता है, इसको 2 cc का अभी अभी विटामिन A, D, 3, E का लगाएं, ठीक है मेरी जान, ये करें। और इसको उन्होंने अगर बुखार का किया हुआ है, इलाज लगा गए हैं कोई इंजेक्शन और बुखार उतर गया तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक मिलता है फीवोनिल, उसका इंजेक्शन वो लगाएं, या एक सेफर होता है, सेफर का सेफ है, कोई ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बकरी इस तरह हो और उसको को मसला आ जाए, बिल्कुल नहीं, आप सेफर का भी लगा सकते हैं, फीवोनिल का भी लगा सकते हैं, इससे बुखार उतर जाएगा, लेकिन इसको विटामिन A, D, 3, E इसका इंजेक्शन 2 cc का आज लगाएं और 2 cc का कल परसों फिर लगा दें, अल्लाह फजल करेगा, ठीक है। और एक MBY कॉम मिलता है, वो अगर मिल जाए वो भी लगा दें बिस्मिल्लाह करके, वो कल लगा दें, ठीक है, 2 MBY कॉम। अगर MBY कॉम नहीं मिलता तो आपको आम मेडिकल स्टोर से मैथी कुबाल मिन का मिल जाएगा 1 cc का, वो तो आज भी लगा सकते हैं, ठीक है मेरी जान, अल्लाह फजल करेगा, दुआ भी करूंगा कि चिश्तियाँ से मुझे अच्छी फीडबैक मिले। और वंस अगेन आई वेलकम यू टू माई चैनल, लेकिन आई विद द रिक्वेस्ट नॉट टू कॉल अगेन प्लीज। अल्लाह अकबर कबीरा।